बच्चों, यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम्स के लिए निम्नलिखित चीज़ों का ध्यान रखें आप। अगर आपको बेहतर नंबर गेन करने हैं तो आपको जनरल हिंदी में बहुत मेहनत करनी होगी। आपके इसमें 25 क्वेश्चंस हो सकते हैं जो आपको 75 नंबर दे सकते हैं। अगर आपको इसे अच्छे से तैयार करना है तो हिंदी ग्रामर पर फोकस करें। इसमें आप जो एंटोनिम्स हैं, सिनोनिम्स हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, इन्हें तैयार करते रहें और अधिक से अधिक मॉडल पेपर्स को हल करें आप। अगर आपको हिंदी को बेहतर बनाना है तो अलंकार में मेहनत कर लें, समास पढ़ लें, विलोम पढ़ लें, पर्यायवाची शब्दों को पढ़ लें, रस क्या होता है जान लें, संधियाँ जान लें, तद्भव और तत्सम जान लें, लोकोक्तियाँ जान लें, मुहावरे जान लें, वाक्यांशों के लिए एक शब्द जो होते हैं, अनेकार्थी शब्द होते हैं, वाक्य संशोधन, लिंग, वचन, कारक, काल, वर्तनी, त्रुटि से संबंधित जितनी भी चीज़ें हों ये आप तैयार कर लें अभी से। चलिए अब आते हैं जनरल नॉलेज की टिप्स पर। ये सेक्शन भी आपको 75 नंबर दे सकता है और 25 क्वेश्चन इसमें हो सकते हैं। ये अगर आपको सफल होना है, दूसरे कैंडिडेट से बेहतर होना है तो आपको महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। इसमें आपको पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, जनरल नॉलेज ऑफ यूपी से क्वेश्चन दिए जाएंगे। न्यूज़पेपर रोज़ पढ़ें, उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उसे लिखते जाएं ताकि उनसे जब प्रश्न पूछे जाएं तो आपकी पूरी तैयारी रहे। इसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट्स, लिटरेचर, साइंस, लिटरेचर, अवार्ड्स, बुक्स एंड ऑथर्स, पर्सनालिटीज, प्लेसेस ऑफ इंपॉर्टेंस, डेज एंड डेट्स, अपॉइंटमेंट्स, करेंट इवेंट्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स, जनरल नॉलेज ऑफ उत्तर प्रदेश, इन सारे से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अगर मेहनत करें, इन सारी चीज़ों को आप तैयार करते जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़पेपर्स पढ़ें तो कई सारी चीज़ें इनसे अपने आप ही तैयार होती जाएंगी आपकी। मेंटल एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी में आप ध्यान रखें कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अगर आपको अच्छे नंबर्स पाने हैं तो अपनी स्पीड बेस पर मेंटेन करें आप, ताकि आप दूसरों से हमेशा बेहतर रहें। ये भी आपको 75 मार्क्स के हो सकते हैं। इसमें आपको एनालिसिस, नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, वेन डायग्राम, मैथमेटिकल एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस असेसमेंट, डिसीजन मेकिंग, रिलेशनशिप, ब्लड रिलेशन, अर्थमेटिकल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, ये सारे आपको दिए जा सकते हैं। न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी में आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन भी अच्छा स्कोरिंग कर सकता है और डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है आपके सफल होने के लिए। जो कैंडिडेट शॉर्ट ट्रिक्स और फार्मूला जानते हैं वे हमेशा दूसरों से बेहतर रहेंगे और इसमें अगर आप बेहतर कर लेते हैं तो भी आपके लिए हर हाल में फ़ायदेमंद हो। तो ये भी आपको 75 नंबर दे सकता है, तो इसे मेहनत कर लें आप। इसमें आपको नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल फ्रैक्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, SINCI, एवरेज, टाइम एंड वर्क, मेंसुरेशन, लॉजिकल डायग्राम्स, सिंबल इंटरप्रिटेशन, परसेप्शन टेस्ट, नंबर एंड लेटर सीरीज, फोर्सफुलनेस ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, डिटरमिनिंग इम्प्लाइड मीनिंग्स, ये सारी चीज़ें आपको तैयार करनी होंगी। तो अब की बार के लिए इतना ही। अगली बार फिर आपको इस पर बेहतर क्वेश्चन के साथ जो क्वेश्चन आपके लिए जरूरी होंगे वो आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।